और आपका अच्छी स्वागत है। तो आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है, टाइटल है टॉप 5 बेस्ट बॉलीवुड ब्रोमेंस एवर फीचर्स SRK सिद्धार्थ मल्होत्रा रामचरण NTR नेटफ्लिक्स इंडिया। ओके, रोमांस का तो मुझे पता है, ब्रोमांस क्या होता है ये भी इसमें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके लिए मैं लोग चैनल इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वैसे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। आपने इसके फिल्म के पोस्टर्स देखे होंगे, मद्रास राजा, साउथ का राइजिंग स्टार है हमारा ओम स्वामी शांतिनाथन। ओम स्वामी कौन? तू और कौन? गीता डाउन्स टू अर्थ है ना? अपने नहीं पता। कौन कहेगा कि इसकी पिछली फिल्म गोल्डन जुबली थी? रियली रियली रियली। आप देखिए शांति जी, बहुत जल्द हमारा ओम बॉम्बे इंडस्ट्री पे भी छा जाएगा। रियली रियली ऑफ कोर्स। वैसे आज तुमने अपना एक फैन तो बना ही लिया है। फैन नहीं, दोस्त शांति जी। शांति जी नहीं, शांति। शांति। हाय, आंखें। ओके। थैंक यू वंस अगेन। ये मूवी देखी बड़ा मजा आया था। दोस्ती का एक असूल है मैडम। नो सॉरी। नॉट। नो थैंक यू। ये किसी फिल्म का डायलॉग है क्या? अरे, अब तक तो नहीं। ओम अपने डायलॉग्स खुद लिखता है। आगे की हमसे सुनो। ये बहुत अच्छी मूवी है। को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तब तक ग्रुप बन चुका था ना, खाना हम और मोटापा। लोगों के तानों से तंग आकर जब जिम और डाइट जैसे नए दोस्त बनाने की कोशिश की, मगर उन सालों की यारी ना पक्की नहीं थी। कभी साथ देते थे कभी नहीं, मगर खाना खाना यारों का यार था। करवा लिए, कान नाक होठ सब छिदवा लिए, टैटू बना लिया बड़ा सा कि मोटापे से पहले दुनिया ना कुछ और देख ले, बस कुछ भी और। लेकिन दुनिया साली ओवर साइज फैब इंडिया की कुर्ते के पीछे भी चर्बी ढूंढ लेती है भाई साहब। हाँ, और सांस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार। है ससुरी जींस चढ़ती नहीं है ऊपर, टांगों पे फंस जाती है मनुष्य। और हम अपने आप को समझाए रहे होते हैं कि मोटापे ने ब्रा का साइज तो बड़ा कर दिया, पर लौंडों की डिमांडे हो रखी होती है अलग। ब्रा तो बड़ा चाहिए पर कमर इतनी सी, इतनी छोटी सी है। अबे साले, तुमसे कुछ छोटा बड़ा मांग लिया तो कहाँ जाओगे तुम? गॉड से गलती हो गई, इसे मेरे बाप का बेटा होना चाहिए। तुझे अपने बाप की इतनी क्यों पड़ी? बाप की माँ की किसी की नहीं पड़ी। बहुत पड़ी, उनकी इज्जत कमाना चाहता, पर लगता है तुझे तो आज तक उधार भी नहीं मिला। वाह वाह, अब तुम माँ बाप यंग लग रहा है ना, एक्सपर्ट हो गया ना। हो गया, उनके जाने के बाद। कहाँ गए छुट्टी पे? गुड डे डैड। तू क्या शॉट दे रहा है, तेरी जिंदा है, चल। तू बहुत बड़ा, तू बहुत बड़ा। जानता जानता, चौ की मात्रा तो एक ही मात्रा या आ की मात्रा, राइट? एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प, माय टायर्स हैव गॉन फ्लैट। जी मैम साहब, मेरी दुकान पास में ही है, 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। ही मींस इट विल टेक एट लीस्ट 5 आवर्स। Is there a bus stop or a tram station nearby? पूछ रही है आसपास कोई bus stop या tram station है? हाँ, बिल्कुल पास में ही है। नाम है बुंदी हिला। Perhaps you can ask him for a ride. Oh, are you going that way? पूछ रही है उस तरफ जा रहा है, उसको लिफ्ट देगा? नहीं नहीं नहीं। Oh, yes. Yes. Wonderful. Let me get my things. Can you take me to the market, please? Market. बिट्टी, ले बेटा। बिरयानी बर्फी। हमारे पास तो है नहीं, हम कौन सा तैयारी करके आए थे यहाँ पर? चिराग भैया। ये भी मूवी देखी है मैंने, कहा था ना भैया, बिट्टी तो मतलब भाभी है ना। थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। दोनों पसंद करते हैं। तुमने बहुत तंग किया। नहीं, मेरे ख्याल वो शायद ही पसंद करते हैं। मैं भूल गई मूवी, पर देखी है मैंने। हाँ
पहनाते हो। लग तो कुछ ऐसा ही रहा था हो सकता है, लेकिन भाई पहले नहीं था ब्रोमेंस क्या होता है, लेकिन आज जो है वो देख के पता चला भाई यारों का प्यार आपस में, कि वो जो सी मर्जी बात कर ले कोई टेंशन ना हो, हाँ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वैसे जितनी भी मूवीज के क्लिप थे बीच में, मुझे ओम शांति ओम मतलब ये वाली मूवी देखी हुई है हम लोगों ने, मैंने ओम शांति ओम भी देखी है, डबल एक्सएल भी देखी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी देखी है, आर आर मैंने सारी मूवी देखी, मैंने पांचों की पांचों मूवी देखी है, लेकिन बरेली की बर्फी मुझे भूल गई हुई है, बाकी मुझे सारी याद है। लेकिन यह है कि जो सीन दिखाए हैं उसमें बेसिकली वही वाली बात मौजम की कि भाई यारों के जो यार होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं डिफरेंट सिचुएशन। सही बात है, वैसे सबसे अच्छा साथ देते हैं मोटे दोस्त आपस में एक दूसरे का। हाँ जैसे वो डबल एक्सएल मूवी जो है, मौजम ने देखी हुई है ना इसलिए उसको पता। मुझे मैंने वैसे वो मूवी भी इतनी ज्यादा हिट नहीं रही, लेकिन जो है वो मूवी मैसेज मुझे जो है वो अच्छा लगा उस मूवी का, और क्योंकि वो मोटापे को लेकर काफी ज्यादा हमारे सोसाइटी में किया जाता है ना, तो उस चीज को जो है ना ओवरकम करने के लिए जो है ना वो काफी, क्योंकि उसमें जो है ना मेरा ख्याल है वो जो है ना यार सोनाक्षी जी जो है वो उसमें वो बनी डिजाइनर बनी हुई है। वैसे मैं बिल्कुल ये चीज मानूंगी, हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, अब लड़कों का नहीं मुझे पता मौसम ज्यादा बेहतर जानता होगा, लेकिन लड़कियां तो भाई वाकई में जो थोड़ा थोड़ी आप कह लो कि बल्कि भी नहीं मैं बोलूंगी थोड़ी हेल्दी होती हैं, उनको ले भाई मोटी हो एक तो शादी करने के लिए लड़की पतली चाहिए होती है, तो लड़के भी जो है जो मोटे थे गेंडा और गोरा भी चाहिए नहीं, होता सही है। बात है, लड़कों को भी बुली किया जाता है, गेंडा होने कहा जाता है, यानी कि बहुत सारी चीजें जो उनके लिए जो इस्तेमाल किए, तो ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल है सोसाइटी में आम है उस चीज को जो है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन ओम शांति ओम की बात करें उसमें, क्योंकि वो एक पुराने टाइम की 70s की मूवीज और जो आज का टाइम है वो मिक्स करके बनाई है, तो उसमें जो 70 का टाइम दर्शाया गया है ना वो बहुत अच्छा, और मुझे अच्छी तरह याद है शांति प्रिया का जो ड्रेस है ना ब्लैक वाला, वो इन्होंने भी बनवाया था। मैंने नहीं बनवाया था, सामाजी ने बनवाया था, उन्होंने ऐसे गुट्टा लगा के और सारा बहुत, खुद उन्होंने बनाया था ना घर में, मेरा ख्याल है खुद बनाया था, और बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया ब्लैक कलर का ऊपर ब्लू कलर का गोटा लगा के, बिल्कुल वो बनाया था। और दूसरा मैं ये बोलूंगी कि शाहरुख खान सर की ना आईज, ओ माय गॉड क्या एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि आंखों में ना वो बल्ब जल रहे हैं, इतनी अच्छी उनकी एक्सप्रेसिव आईज है। और जो है एनटीआर सर की और रामचरण सर की बात करें तो वहां पे सही पता चलता है कि भाई वो जो है प्यार करते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, कितने अच्छे दोस्त हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हर ओवरऑल मैं कहूंगी कि एंजॉय किया, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी हुई है वो भी बताइएगा, और रैंक भी कीजिएगा 1 to 5 से, 1 सबसे अच्छी और 5 वाली नॉर्मल। मैं बुरी नहीं कहूंगा कोई भी, क्योंकि सारी अच्छी मूवीज हैं। हाँ, तो बेस्ट मूवी कौन सी लगती है वो भी बता देना आप लोग, और इसी के साथ हम गुड बाय।